Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. Alright guys, welcome back to my channel, my new video. So guys, मैं ना बहुत टाइम से मतलब बहुत टाइम से मैं तीन चार बार सोचा कि मेरी जो बाइक है ना तीन चार साल से बंद पड़ी है उसको पेट्रोल डाल के थोड़ा सा मेहनत करके ऑन करके इसकी आवाज़ सुनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कुछ ना कुछ कारण के चक्कर में मैंने ऑन नहीं की इसे। तो आज मैं सोचा लॉकडाउन भी है एंड फ्री भी हूँ तो क्यों ना इसको ऑन किया जाए। बहुत मेहनत लगने वाली है एंड तीन चार साल से बंद पड़ी है गाड़ी और मुझे पूरी उम्मीद है ये गाड़ी चालू नहीं होने वाली। इसकी अभी दिखाता हूँ आपको मैं और फिर बात करते हैं। ये बाइक का मैं पूरा 360 दूंगा अभी। पहले ये देखो, किसी ने छूता रख दिया है इसके ऊपर, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, इसको साइड में रख देते। तो पहले चालू करते इसके टायर से। इसके टायर मैंने दो बार चेंज कराया है और ये गाड़ी का कलर देखो पूरा ही मैट ब्लैक है। इसके ऊपर मैंने तीन बार स्प्रे किया है, स्प्रे पूरी काली ऑल ब्लैक की हुआ है मैंने यहाँ पूरी मतलब पूरी नंबर प्लेट भी। तो ये थी अब ये सीट, इसकी टंकी यही चीज़ देखो, इसमें चाबी अटकी पड़ी है अंदर और ये ऐसे खुल जाता है। इसका ये भी है ना, चाबी नहीं है मेरे पास, चाबी खो गई इसकी एक मेरी बाइक की। तो इसकी चाबी जो है मैं एक्टिवा से ऑन करूँगा मेरी। और ये कुछ ऐसा इसका फेस। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 24 है, पीछे 21 है क्योंकि यहाँ पे काट लग गया था इसके यहाँ पे, तो 21 हो गया। तो दोनों अलग अलग नंबर है, 24 21, ठीक है। एंड ये देखो इसकी बैटरी नहीं है और बैटरी जब तक मैंने पूरी इसको बोलते हैं पैसा वसूल करो तब तक तो गाड़ी बंद हो गई। तो ये कुछ है मेरी बाइक की हालत, तीन चार साल से ऐसे ही पड़ी है। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब मैं बाइक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तो ये गाइस अपाची 160 सीसी बाइक है और ये बाइक मेरी नहीं है, ये बाइक है मेरे अंकल की और वो ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, ठीक है। और ये अंकल ने बंद कर दी चलानी तो इसने मेरे को दे दी थी। तो फिर मैंने इसको कम से कम तीन चार साल चलाए थे और फिर मैं ये गाड़ी बहुत खर्चा मांग रही थी तो इसलिए मैंने खड़ी कर दी इसको। तो फिर से मैं एक्टिवा ले ली तब से ये गाड़ी बंद पड़ी है एंड फिर उसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके ऊपर मैंने आप मानोगे नहीं मैंने कम से कम 15-20 हज़ार रुपये खर्च दिए थे। क्लच ब्रेक एंड कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आती रहती थी। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, आपको मज़ा नहीं आएगी बोलने में। चलो इसकी सीधी बाइक पे बात करते हैं आज, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अभी तो मेहनत लगने वाली है, अभी आगे देखते रहना, हटना जाना मत। अभी इसको किक मार के चालू करनी पड़ेगी और पेट्रोल मैं डिक्की में पेट्रोल डालता हूँ, पहले साफ थोड़ी झड़का देता हूँ फिर अपने पेट्रोल डालते हैं फिर इसको चालू करते। ऐसे मेरे को उम्मीद तो नहीं है 0% उम्मीद, बट मेरी फीलिंग इसके साथ बहुत है तो मेरी फीलिंग रखने के लिए ऑन हो जाए तो अच्छी बात है। सो गाइज आगे बढ़े इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें कर रहा था अपने बाइक के बारे में। सो गाइज ये ऐसा है ना सीन कि मेरे पापा हमेशा मेरे को बोलते हैं दीक्षित ये गाड़ी सेल आउट कर दे, किसी को चाहिए तो बेच दे ऐसा वैसा। बट गाइज यू डोंट बिलीव मी, ये गाइज के साथ मेरी इतनी मेमोरीज है इतनी फीलिंग्स है कि आपको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। इससे साथ मेरे बहुत एक्सीडेंट भी हुए, बहुत से साथ मैं घूमा हूँ फिर रहा हूँ, बहुत सी साथ मेरी मेमोरी। तो आपको मेमोरीज जाननी है, बहुत मज़ा आएगा सुनोगे तो आप भी हंसोगे, आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी मज़ा आएगी। आपको जानना तो मुझे बता देना, बट अभी इस चीज़ की बात नहीं करेंगे अपने, खाली इसके ऊपर बात करेंगे। सो पापा को मैंने ये बोला कि नहीं भाई मैं नहीं बेचने वाला, इसको मैं नीचे रखूँगा, इसके कितना आ जाएंगे आप भी समझ जाओ, 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा आएंगे नहीं है ना। तो मैंने बेची नहीं, तो बस ये बात थी। सो अब इसको थोड़ा झड़काते हैं, पेट्रोल डालते हैं, मारते हैं किक और थोड़ा मारते हैं करंट वरंट पहुँचाते हैं इस बाइक में, देखते चालू होती है नहीं होती। एक चीज़ नोटिस की, मेरी बाइक, मेरी एक्टिवा, मेरी साइकिल, मेरी मेस्ट्रो, मेरी स्कूटी और सारी एक साथ में खड़ी है। वे!
ओह माय गॉड गाइस लुक एट दिस, आप समझ में आया कैसी दिख रही होगी? अभी थोड़ी सा साफ की, बहुत टाइम लगेगा इसको, पानी डाल डाल के साफ करना पड़ेगा, बट समझ रहे हो कैसी थी, ऑल ब्लैक मेरी बाइक। यार क्या फील हो रहा है गाइस, मुझे मन तो ऐसा कर रहा है वापस इसको सही कर रहा हूँ, एक्टिवा साइड में रख दूँ, इसको चालू करूँ मैं। अब मैं इस गाड़ी को 10-25 हज़ार रुपये लगेंगे सही कराने के लिए, और आई डोंट थिंक दैट वो वर्थ करेगा डालना। एंड यू नो व्हाट गाइस, एक बाइक जब मेरे फ्रेंड और मैं चलाते थे ना आज से 3-4 साल पहले, तो इसकी जो साउंड है, मतलब साइलेंसर का एग्जॉस्ट जो साउंड है ना, वो मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक को भी फेल कर दे ऐसा साउंड है। एंड इसका नाम जो हमने रखा था गोदा रखा था, मतलब जो भैंस होती है, भैंस बोलते क्या बोलते आई डोंट नो, बट इसका हमने गोदा रख दिया, मतलब जो ये भागती है, जो इसका आवाज़ है और जो इसकी लुक है, पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, वो एक नंबर है। तो अभी चालू करते हैं, चलो बहुत बात हो गई, चलो पेट्रोल। चालू होता है मेन काम, एक्टिवा की चाबी ऑन करके दे लात पे लात मारते हैं। ऐसे भी कचरा हो गया होगा उसको भी साफ कर लेते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक, बट ऑरेंज लाइट, यहाँ पे जो ऑरेंज लाइट आती है ना, वहाँ पे ऑरेंज लाइट आ रही है, उम्मीद जा रही है, करके देंगे गाइस, करके देंगे, चलो। आफ्टर 50 या 100 किक मारने के बाद आवाज आ रही है, चलो इसकी साइलेंस की आवाज़ सुना। गरम हो रही है गाड़ी, फाइनली एक ड्रोन डाल के आते हैं सोसाइटी में।
बस भाइयों इतना ही था आज के वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत और इतने मेरे पाँव लाल पड़ गए मार मार के, सॉरी थोड़ी गंदी चीज़ दिखा दी मैं, बट आई एम सॉरी। सो आई होप अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार देना, एंड अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, मेरे को शांति मिल जाएगी, मेरे बाइक को भी मिल जाएगी। तो चलो बस बाय बाय, मैं जाता हूँ घर पे, नहाता हूँ, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देट बाय बाय, टेक केयर एंड